ये समोसे, ये स्प्रिंग रोल्स, ये सब देख रहे हैं आप, ये बन रहे हैं मेरी 2 मिनट वाली स्प्रिंग रोल शीट और समोसा पट्टी के साथ। सच में केवल 2 मिनट में बनती हैं ये शीट्स। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी पतली, कितनी लचीली हैं ये स्प्रिंग रोल शीट्स। इसको रोल करते वक्त बिल्कुल क्रैक नहीं होगी और फ्राई करने पर बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो ये स्प्रिंग रोल शीट्स बनेंगी केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी। वैसे आप पूछेंगे 2 मिनट में ये शीट्स कैसे बनेंगी, चलिए बताती हूँ। वैसे समोसे से याद आया, आपके शहर में सबसे अच्छे समोसे कहाँ मिलते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए और अपने शहर का नाम भी। फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ये स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे केवल 3 इंग्रेडिएंट्स, मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का सही रेशियो क्या होना चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए कि 1 कप अगर हम ले रहे हैं मैदा, तो उसमें हमें चाहिए होगा 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। अब पहले ड्राई मैदा और ड्राई कॉर्नफ्लोर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 कप पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पानी ऐड कर लिया। अब इसका पहले एक फ्री फ्लोइंग बैटर हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब 5 मिनट के लिए पहले हम इस बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका बैटर जो है थोड़ा फूल जाए। अब 5 मिनट बाद 1/4 कप पानी में इस बैटर में और मिलाऊंगी और फिर से इसे एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब एक छन्नी के साथ इस बैटर को हम छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कहीं भी कोई भी लम्स होना तो वो लम्स निकल जाए। देखा, डिस्पाइट मिक्सिंग इट सो वेल, इसमें कितने सारे लम्स रह गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी। ये एकदम फ्री फ्लोइंग बैटर है। अब ये बैटर रेडी है स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए, और उसके लिए मुझे चाहिए होगा या तो एक नॉनस्टिक तवा या फिर एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन। अब पहले इसे मैं हल्के से ऑयल के साथ ब्रश कर लूंगी। अब अपने तवे को या फ्राइंग पैन को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पैन पे या तवे पे ये काम हमको नहीं करना है। अब वी विल पोर जस्ट अबाउट 1/4 कप ऑफ द बैटर और इसे पूरे तवे पे हम स्प्रेड कर देंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्सेस बैटर हो तो आप उसे रिमूव कर दीजिएगा। और अब इसे कवर करके हम केवल 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पे सेक लेंगे। एक बड़ी सी प्लेट को भी मैं यहाँ पर ग्रीस करके रख लूँगी और इसी प्लेट पे रिमूव करूँगी मैं अपने स्प्रिंग रोल शीट्स। अब देखिए, साइड से धीरे धीरे इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट जो है ये अब रेडी हो गई है। देख रहे हैं, अब करना क्या है, बस इसे मैं उठाऊंगी और अपनी प्लेट पर पलट दूंगी। अब इसे हम ऑयल से ब्रश कर देंगे और कवर करके रखेंगे, ताकि ये ड्राई आउट बिल्कुल ना हो। ऐसे ही और स्प्रिंग रोल शीट्स बना ली जाएं। ये देखिए, इतनी जल्दी हम बना ले रहे हैं अपने स्प्रिंग रोल शीट्स। और हाँ, एक और चीज का खास ख्याल रखेंगे कि हर बार समोसा शीट इस पे स्प्रेड करने से पहले हम इसे थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर लेंगे और इसके बाद इसे एक टिश्यू पेपर के साथ पोंछ लेंगे, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सारा हट जाए। और तीसरी बात, बैटर स्प्रेड करते वक्त आपके तवे का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये इमीडिएटली कुक हो जाएगा और आपके पास एक पतली सी शीट बनने की जगह एक मोटी सी शीट बन जाएगी। तो पहले से थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और तब स्प्रेड करेंगे इस पे अपना बैटर। अगर आपने तेज आंच पर अपनी स्प्रिंग रोल शीट्स को पकाया तो ये देखिए, वो ऐसे टूटने भी लग जाएगी, इसी के साथ साथ ऐसे लाल भी हो जाएगी और इसका टेक्सचर जो है पोरस हो जाएगा। तो जब हम इसमें फिलिंग भरेंगे तो ये ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब करेगी। कंपेयर दिस टू दिस शीट,
और देखिए इसीलिए आपको इसे ठंडे तवे पे बनाना है, गरम तवे पे नहीं। तो हमारे स्प्रिंग रोल शीट्स भी डन। अब आप इसे क्लिंग रैप शीट से कवर करके या फिर किसी जिपलॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर फॉर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते तक इसे स्टोर किया जा सकता है। तो अब शीट्स तो बन गई, इनके लिए कुछ बढ़िया सी स्टफिंग भी बनाई जाए, है ना। तो पहले बनाते हैं स्प्रिंग रोल शीट की स्टफिंग और फिर बनाएंगे हम समोसे की स्टफिंग। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाने के लिए लेंगे एक बड़ा सा पैन और सबसे बड़े वाले गैस बर्नर पे इसे पहले हम अच्छे से गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें एक चम्मच ऑयल और ऑयल को भी अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब ऐड करेंगे इसमें एक टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और पहले इसे थोड़ा सा हम गोल्डन कर लेंगे। जिंजर गार्लिक भी जब गोल्डन हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें ये स्लाइस किए हुए अनियंस और इसी के साथ साथ थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अनियन भी जब ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाएगा ऐड करेंगे हम इसमें श्रेड किया हुआ कैबेज, इसी के साथ श्रेड करी हुई गाजर, जूलियंस में कटा हुआ कैप्सिकम, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा विनेगर, थोड़ा सोया सॉस, चिली सॉस और हाँ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बॉइल्ड नूडल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्प्रिंग रोल की स्टफिंग डन। अब समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे चाहिए होगा आलू, थोड़ा मटर और ये सारे मसाले भी। अब पैन में लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और पहले इस ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा पहले तो ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ी सी हींग, इसी के साथ एक चम्मच जीरा, चुटकी भर अजवाइन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे सौते कर लेंगे जब तक ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता। अब पहले इसमें ऐड करूंगी मैं ये मटर और मटर को भी हल्का सा भून लूंगी। अब इसमें आलू को मैं क्रश करके ऐड करूंगी इस तरीके से। ऑफ कोर्स आप चाहें तो आलू को महीन महीन काट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इस आलू को बढ़िया से हम भून लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये देखिए आलू बढ़िया से भून चुका है, इसकी बढ़िया से खुशबू भी भूनने की आ चुकी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, इसे थोड़ा सा भून लेंगे और जब ये अच्छे से मसालों की खुशबू भी इसमें आ जाएगी ना, तब गैस को कर देंगे बंद और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा खटाई पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे और फाइनली ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया। अब समोसे की फिलिंग को भी निकाल लेते हैं एक बोल में और पहले हम अपनी दोनों फिलिंग्स को ना अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, इसके बाद इन्हें स्टफ करके तब बनाएंगे इससे समोसे या फिर स्प्रिंग रोल्स। तो दोनों मेरी स्टफिंग्स रेडी और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे स्प्रिंग रोल शीट्स भी रेडी हैं। अब आपको सिखाती हूँ कि इनको फोल्ड कैसे करना है ताकि फ्राई करते वक्त इसमें ऑयल बिल्कुल ना जाए। आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि तेल भी गर्म हो जाए और तब तक मैं ये सारे स्प्रिंग रोल शीट्स को प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब पहले तो लेते हैं भाई अपनी स्प्रिंग रोल शीट और मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मैदा पानी के साथ घोल बना करके इसकी एक स्लरी बना ली। तो पहले ये जो स्लरी हमने बनाई है अपने स्प्रिंग रोल शीट की साइड पर हम अच्छे से लगा देंगे। दिस इज टू इंश्योर कि ये स्प्रिंग रोल शीट जब हम रोल करें तो ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। अब इसमें रखते हैं पहले तो अपनी स्टफिंग बीच में। ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखिएगा नहीं तो स्प्रिंग रोल के फटने का डर रहेगा। अब इस स्टफिंग को पूरा बीच में आप ले आइए लाइक दिस और इसे इस तरह से एक सिलेंडर की तरह से इकट्ठा कर लीजिए। अब पहले हम साइड्स को ऐसे अंदर फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर एक बार स्लरी लगाएंगे लिबरली
पहले ये लोअर साइड को हम ऐसे टॉप पे लेके आएंगे और अब इसको पीछे की तरफ हम इस तरह से पुश करेंगे ऐसे, ताकि ये एकदम टाइट रोल रेडी हो जाए। और अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो ऐसे ही और स्प्रिंग रोल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लीजिए, स्प्रिंग रोल्स तो हमने शेप कर लिए, अब समोसा पट्टी कैसे बनानी है और उसमें समोसे की फिलिंग कैसे करनी है, चलिए वो दिखाती हूँ आपको। उसके लिए फिर से एक बार स्प्रिंग रोल शीट हम ले लेंगे और इसे हम पतली सी लंबी सी स्ट्रिप में कट कर लेंगे। अब वंस अगेन पहले इसमें लगा लेंगे हम मैदे की स्लरी और फिर एक तरफ रखेंगे हम इसमें ये प्रिपेयर की हुई स्टफिंग। अब एक तरफ से पहले आप इसके ऊपर शीट को फोल्ड कीजिए, फिर वंस अगेन फोल्ड दिस अप लाइक दिस, फिर से लगाइए स्लरी और इसे कवर करके इसको सील कर दीजिए। तो ऐसे ही और समोसे हम बना लेते हैं। तो समोसे भी फोल्ड हो गए और हमारे स्प्रिंग रोल्स भी। अब फ्राई कर लिया जाए इनको और फिर एंजॉय करते हैं इनको चटनी केचप जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ।